हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज आपके समक्ष आपका लेक्चर नंबर 4 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंतर्गत हम पिछले कालांश में जो हमने एल्कोहल बनाने की विधियों का वर्णन किया था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लगाने जा रहे हैं। आज हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है, इस बात की चर्चा करेंगे। सभी तरह के कॉन्सेप्ट, सभी तरह के एग्जाम्पल की चर्चा की जाएगी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया जाएगा। आप फटाफट अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद सरबरिया आज की नई हेडिंग लगाते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनते हैं। किससे बनाना है बच्चों? में ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमें एल्कोहल बनाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनते हैं? सामान्यतः ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि जिसमें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की व्याख्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एस्टर, किससे? एस्टर और एसिड हैलाइड्स, कार्बोनिल कंपाउंड, एस्टर और एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, हैलाइड हैलोजन कोई भी हो सकता है। सामान्यतः है ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, एस्टर, एसिड हैलाइड्स से जब रिएक्शन करते हैं तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते? पहले इनसे रिएक्शन करके एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस एडिशनल प्रोडक्ट का अम्लीय माध्यम में जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के एल्कोहल्स मिलते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एल्कोहल इससे बनाए जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है बच्चों। आपके सिलेबस में सबसे मुख्यतः कक्षा 12वीं के सिलेबस में ये वाली विधि है, हम तीनों की चर्चा करेंगे। कक्षा 12वीं के सिलेबस में एल्डिहाइड और कीटोन से ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मुख्यतः आती है, लेकिन चर्चा सबकी की जाएगी क्योंकि आपको 12वीं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है। तो क्या करें हम? पहले हम करा रहे हैं रिएक्शन, करा रहे हैं किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। रिएक्शन करा रहे हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है RMGX। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है बच्चों, यह हाईली पोलर होता है, बहुत पोलर कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है। यहां जब इसकी पोलरिटी देखी जाती है तो इस हेलोजन पर माइनस और इस एल्काइल पर माइनस आता है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यह एल्काइल ग्रुप जो होता है बच्चों, तुरंत ऐसा चाहता है कि हमें कोई पॉजिटिव सेंटर मिल जाए, कोई पॉजिटिव सेंटर मिल जाए, उस पर जाकर ये अटैक करते हैं। अर्थात यह यहाँ न्यूक्लियोफाइल की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति काम करता है। और इसकी डिमांड पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जो प्लस चार्ज दिख रहा है यहां, तुरंत यहां न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाएगा और उसी समय इस माइनस चार्ज पर MgX भी ऐड हो जाएगा। यानी पहले स्टेप में क्या होना है, हमने कहा था ना, पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक एडिशनल कंपाउंड बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड पर इसका अटैक होगा, इसका जो एल्काइल ग्रुप है निगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव कार्बन पर जुड़ेगा, उसी समय इसका MgX ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? सी सिंगल बॉन्ड ओ बनेगा, यहां एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, उसी समय यहां पे MgX जुड़ जाएगा। उसी समय क्या होगा? इस पर MgX जुड़ जाएगा और एक योगात्मक कंपाउंड बन जाएगा, एडिशनल एडिशनल कंपाउंड बन गया, एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन से। इस योगात्मक यौगिक का
अम्लीय माध्यम में जैसे ही जल अपघटन होगा, एसिड कैटलाइज, जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। पूछूंगी ये पोलर पहले से ही था, ये नेगेटिव पॉजिटिव था, वाटर में एच और ओ एच होता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर बन क्या जाएगा, आर सी ओ एच प्लस एम जी एक्स ओ एच, यानी कि एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब केमिकल रिएक्शन करेगा, पहले एक एडिशनल कंपाउंड बनाएगा, हमने बता दिया। इस एडिशनल कंपाउंड में होना क्या है, जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा और MgX ऑक्सीजन पे आएगा, एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा। इस एडिशनल कंपाउंड को यदि हम एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा एल्कोहल बन जाएगा। यहां 1, 2 और 3 तीनों एल्कोहल बना सकते थे। कैसे बना सकते हैं हम? यदि यहां पे हम जो हमारा बना है आर, हमने लिया था अभी सी के साथ, हमने डबल बॉन्ड ओ लिया था, यहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था आर एम जी एक्स, यही लिया था ना, तो बदला किस में है ये, इसका आर आके ओ एच आ गया, यानी क्या बदला है, आर सी ओ एच में ये प्रोडक्ट आया, एच टू और था। अगर हम यहां पे दोनों एच लगा दें, क्या कह रहा हूं मैं, यदि हम यहां पे दोनों एच लगा दें अर्थात फॉर्मल्डिहाइड ले लें, तो यहां भी दोनों एच आ जाएंगे, अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब यहां पे हम दोनों एच लगा दें दोनों वैलेंसियों पर, तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अगर यहां पे हम एक CH3 लगा दें तो यहां पर भी एक CH3 आ जाएगा और हमारा एल्कोहल 2 डिग्री हो जाएगा, अर्थात दूसरा एल्डिहाइड 2 डिग्री देगा। हम यहां पे एक CH3 और लगा दें तो यहां पर भी एक CH3 और आ जाएगा, हमारा एल्कोहल अब 3 डिग्री हो जाएगा। अर्थात इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए हम एक दोबारा से लिखते हैं इस बात को। पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं HCHO से, HCHO इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी करा रहे हैं, CH3MgBr, और यह रिएक्शन जो होती है ड्राई ईथर में होती है। इसका क्या यूज है, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन बताया था आपको पिछले लेसन में, बताया गया था ये सॉल्वेंट का काम करता है, ड्राई इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके एल्केन्स बनाता था, इस बात की चर्चा वहां की गई है बच्चों, आप पिछले लेसन के वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। हमने ड्राई ईथर लिया, पहले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इस पर अटैक करेगा और यहां न्यूक्लियोफाइल की भांति जुड़ जाएगा, यानी क्या बनेगा, यहां इसको यहां लिख दे रहा है CH3CH, इसने यहां अटैक किया और कार्बन पे जुड़ गया और यहां आया O, O पे तुरंत क्या हो गया, MgBr भी अटैच हो गया। ये MgBr कहां अटैच हो गया, O पर, और कार्बन अटैच हुआ इस कार्बन पर CH3 का। इसका क्या होगा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाएगा, अम्ल H2O, H2SO4 और HCl कोई भी हो सकता है बच्चों, है ना, जब जल अपघटन होगा तो यहां से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे H, यहां पे OH आ जाएगा और बनेगा CH3CH2OH प्लस क्या निकल जाएगा, MgOHBr निकल जाएगा, अर्थात इससे हमारा इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, जिसको कि हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अर्थात फॉर्मल्डिहाइड क्या कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो एडिशनल कंपाउंड बनाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा था हमें, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है।
चलिए दूसरा एल्डिहाइड ले ले, हमने एक कार्बन लगा के अब एल्डिहाइड ले लिया, और अब हमने क्या किया, CH3MgBr ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी। तो फिर वही होना है, ये जो निगेटिव पार्ट है यह वाला पार्ट इस कार्बन पे आके जुड़ेगा और MgBr इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, यानी क्या बनेगा, CH3 CH को हमने इसके साथ ही लिख दिया अभी, और यहां पे आ गया CH3 और O पे आ गया MgBr। इसका क्या होगा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी बनेगा CH3 CH CH3 OH plus MgOH Br, अर्थात ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया, या प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बन गया। क्या बन गया, ये प्रोपेन टू ऑल, और यह 2 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है, देखिए ये OH वाला कार्बन है, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह 2 डिग्री एल्कोहल है। यानी दूसरी बात हम जान चुके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री दे रहा है, और यह कौन सा है, एसिट एल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड, एसिट एल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड के साथ जब यह रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा, या कोई भी एल्डिहाइड लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अच्छा, तीसरा, यदि इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ करा दी जाए, कीटोन के साथ, अभी कीटोन हमारा एसीटोन है, क्या है ये, कीटोन अभी हमारा एसीटोन है, यदि इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ हो जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही का वही ले जा रहा है अभी हम, CH3 MgBr और ड्राई ईथर, क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, ये वाला CH3 यहां आके अटैक करेगा और O पर जाके MgBr जुड़ जाएगा, और इसका एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस होने पर ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और बनेगा CH3 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 OH, अर्थात ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। कौन सा बन गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा था, एडिशनल कंपाउंड बना, उस एडिशनल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया तो 1 डिग्री एल्कोहल बना, और कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, अगर हम इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे तो हमारा कंपाउंड 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, और अगर कीटोन लेंगे, एसीटोन का एग्जाम्पल हमने ले रखा है, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो आपको ये बात तो ध्यान रखना है, इसमें बेटा इसमें इसके अलावा बहुत सी बातें आती हैं। अगर हमें कार्बन चेन को बढ़ाना है, अभी यहां एक कार्बन से चालू किया, प्रोडक्ट 2 कार्बन का मिला, अगर हमें कार्बन चेन को बढ़ाना है, जब हमारी कन्वर्जन आएंगे उस कन्वर्जन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन चेन को एल्डिहाइड तक लाएंगे, और कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं इसमें हम, कितने भी कार्बन, जितने कार्बन जोड़ना है, जिस तरह का कार्बन जोड़ना है, वो कार्बन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले लेंगे, और वही कार्बन जाके चेन में हमारा ऐड हो जाएगा, वही कार्बन मुख्य चेन में जाके ऐड हो जाएगा। तो कार्बन बढ़ाने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कि कार्बन कैसे बढ़ाएंगे उस बात को भी हम समझ सकते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको मिटा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जान लिया बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वह HCHO से 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और जो अदर एल्डिहाइड है CH3CHO और अन्य अन्य एल्डिहाइड के साथ
टू डिग्री अल्कोहल बनाता है और कीटोन के साथ थ्री डिग्री अल्कोहल बनाता है, तीन डिग्री अल्कोहल बनाता है। इस बात को हम जान चुके थे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वन डिग्री, अदर एल्डिहाइड के साथ टू डिग्री और कीटोन के साथ थ्री डिग्री अल्कोहल बनाता है। पूरी प्रोसेस में क्या होता था, पहले जो गगनार रिएजेंट था वह एल्डिहाइड कीटोन के साथ एक जो RMGX था वह एल्डिहाइड कीटोन के साथ RMGX था वह एक एडिशनल कंपाउंड बना रहा था, एडिशनल कंपाउंड बना रहा था और इस एडिशनल कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? एल्कोहल मिल रहे थे। तो यहां बच्चों एक बात ध्यान देने योग्य है, जैसे हम आपसे कहें CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस C डबल बॉन्ड O को हम आगे लगा दें प्लस इसकी रिएक्शन हो रही है C6H5MgBr और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिड मीडियम। अगर यह रिएक्शन कभी आ जाए आपको, आपको दोनों स्टेप एक साथ लिखने को हो, कभी कभी आता है हाफ रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तो आपको फाइनल आंसर भी आना चाहिए। ये जो गगनार रिएजेंट का कार्बन होता है आपको फाइनल स्टेप याद रखना है, ये जो कार्बन होता है ये इस कार्बन में जुड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो अंतिम स्टेप है आंसर जो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, गगनार रिएजेंट का कार्बन कार्बन में आएगा और सी डबल बॉन्ड O OH पे कन्वर्ट होगा। अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाएं, लगातार ना लिखें हम, तो इसका कार्बन इस कार्बन में आएगा और C डबल बॉन्ड O OH में बदलेगा, अर्थात इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C6H5 तो था ही, ये वाला कार्बन इस कार्बन पे आ गया यानी C6H5 हो गया और इस ये OH में बदल गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। जैसे प्रश्न आया कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, इन निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, प्रश्न आया निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो हम कैसे करेंगे पूर्ण, प्रश्न लिखा है, एक प्रश्न आया निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, ये प्रश्न लिखा है, प्लस लिखा है C6H5MgBr और यहां एरो पे लिख दे रहा हूं मैं C6H5MgBr फर्स्ट, देन हाइड्रोलिसिस होगा एसिड मीडियम में। दोनों स्टेप एक साथ लगाने हैं आपको, प्रोडक्ट बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट कंप्लीट करके। आपको मालूम चल गया बच्चों ये जो कार्बन है यह कार्बन कीटोनिक कार्बन है, हमने बताया था गगनार रिएजेंट का ये जो कार्बन है यह कार्बन पर जाएगा और O OH में बदल जाएगा, O OH में बदल जाएगा यानी प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये जो कार्बन हम मेंशन कर दे रहा है आपको, जैसे मालूम चलता रहे, ये वाला जो कार्बन है C6H5 यह इसमें आ गया और O OH में बदल गया, क्या हो गया, O OH में बदल गया, प्लस MgOH MgBr जो होगा वह OH लेके निकलता है हमेशा वाटर का, तो MgOHBr तो निकलना ही निकलना है इसमें, यानी प्रोडक्ट ये हो गया हमारा। प्रश्न आया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन लिखी हुई है इसको कंप्लीट हम आज तुरंत कर लेंगे। अच्छा एक प्रश्न और लिखा है, प्रश्न लिखा है CH3CHO प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा है, इसको कंप्लीट करना है हमें और इसकी रिएक्शन पहले इससे हो रही है देन हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड मीडियम में, इसको कंप्लीट करना है आपको, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने आपको बता दिया फाइनल क्या होगा, ये जो कार्बन वाला पार्ट है यह जाएगा कार्बन पे और O बदल जाएगा OH में, O बदल जाएगा OH में यानी बनेगा क्या CH3 CH
और इसमें आ जाएगा यह बेंजीन वाला पार्ट और इसका ओ ओ एच में बदल जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से बहुत सी रिएक्शन आ सकती, कुछ भी आ सकता है। प्रश्न लिखा है सी एच थ्री सी सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी टू एच फाइव सी एच और लिख दें, अच्छा सी एच थ्री का होल थ्राइस सी एम जी बी आर, ये लिखा है। अगर फर्स्ट में यह है और देन इसको थोड़ा नीचे लिख दें बेटा, है ना, आप ये बीच में मैच कर रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख दें। प्रश्न आया सी एच थ्री सी एच सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ या सी एच ओ लिखा है, सी एच ओ की रिएक्शन हो रही है सी एच थ्री का होल थ्राइस सी एम जी बी आर, इससे रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में इससे हो रही है और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड मीडियम में। क्या होगा आपको प्रोडक्ट मालूम है? अब ये जो पूरा कार्बन वाला पार्ट है, यह कार्बन वाला पार्ट इस कार्बन पे आएगा, सॉरी इस पे नहीं आएगा, सी एच ओ वाले कार्बन कार्बोनिल के कार्बन पे आएगा यहां पे, और ओ ओ एच में बदल जाएगा। ओ किसमें बदल जाएगा? ओ ओ एच में बदल जाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या होगा? सी एच थ्री सी एच सी टू एच फाइव सी, इसका एच भी है और इस एच में आ गया सी सी एच थ्री का होल थ्राइस, और ये ओ बदल गया ओ एच में। ओ किसमें बदल गया? ओ ओ एच में बदल गया। तो इस तरह के कन्वर्जन आएंगे आपके, आपको डायरेक्ट याद रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हिसाब से, ठीक है ना। एक प्रश्न और भी आ सकता है आपका। प्रश्न आया एक कंपाउंड ए है, उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया एसिड मीडियम में, एक ही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई और एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया, तो कंपाउंड C2H5 का होल थ्राइस COH मिला। क्या मिला कंपाउंड? C2H5 का होल थ्राइस COH मिला। तो A को पहचानिए, किसको? A एवं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहचानो। इसमें A क्या होगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, इस बात को हमें बताना था। चलिए हम इस रिएक्शन को थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें। अगर हम A लिख रहे हैं, A लिखा हमने और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा, बाद में उसको मिटा देंगे, H2O H प्लस लिखा, प्रोडक्ट क्या बना? C2H5 C2H5 OH, यही बना है ना। हमने जब बच्चों यहां बताया था आपको, हमने कहा था जो OH वाले कार्बन से जो जुड़ा होगा एल्काइल ग्रुप, वो एक ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ये तीनों एक से हैं, इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अभी ये वाला एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा, और H हटा दो तो यहां पे O लगा दो। यहां क्या हुआ था दोबारा देखें, यहां यह हुआ था कि जब प्रोडक्ट बनाया था तो डबल बॉन्ड O को OH में बदला था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप इसमें लगाया था। अगर उल्टी बात करें तो OH को डबल बॉन्ड O में बदल देंगे और इस एल्काइल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जोड़ देंगे। चलिए यही हमें करना है। यानी ए क्या होगा? ये जो दो एल्काइल ग्रुप हैं सी सी टू एच फाइव, इसके OH की जगह पर हमने O लगा दिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप C2H5MG, यहां पे हैलोजन दे नहीं रखा है तो X लिख दे रहा है अभी हम, C2H5MGX होगा। अगर यहां हैलोजन भी दे रखा होता तो हैलोजन भी लिख देते हम। यानी इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होगा। अगर यहां पे हम लिख दें कि MG, यहां पे हम लिख दें अगर कि MGOHBR निकल रहा है तो यहां पे X की जगह BR लगा देंगे। तो प्रश्न आया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहचानिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। A को पहचानिए, ए हो गया पेंटेन टू ऑन, ए क्या हो गया? ए हो गया पेंटेन टू ऑन, और यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो गया?
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं बेटा आपकी परीक्षाओं में, आपको तैयार रहना है। मैंने आपको बता दिया क्या क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए आपको। डायरेक्ट आंसर मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वह कार्बन पे आएगा और डबल बॉन्ड ओ ओ एच में बदलेगा। उल्टा क्वेश्चन आता है, ओ एच को डबल बॉन्ड ओ में बदल देना है और एक कार्बन, सामान्यतः सब कार्बन एक से आएंगे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आएगा, या एक फिनाइल आएगा, दो एल्काइल आएंगे तब भी आप कर लेंगे, फिनाइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जोड़ देना। और आपको रिएक्टेंट भी बता सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आप बता सकते हैं, इसको नोट कर लो। दो विधियां और बची हैं अभी, एस्टर से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे और एसिड हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। चलिए वो हेडिंग लगाते हैं, पहले इनको नोट करके करो, मैं मिटाता हूं उनको। चलिए हम तीसरी मेथड में, एक अन्य मेथड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, किसको, आर एम जी एक्स को या तो हम एसिड हैलाइड या एस्टर, एसिड हैलाइड या एस्टर से रिएक्शन कराएंगे और हम अल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एसिड हैलाइड या एस्टर से रिएक्शन करा के हम अल्कोहल बनाएंगे। इस रिएक्शन में बच्चों दो काम होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहली बात तो अधिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अधिकता में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। दूसरी बात, इसके दो मॉलिक्यूल, दो मोल लिए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। जो पहला मॉलिक्यूल है वह सब्स्टिट्यूशन करता है, अर्थात वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वह एडिशन देगा, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन देगा, जिसको की व्याख्या हमने अभी की है, एडिशन देता है ये। चलो एक एग्जांपल लगाते हैं, हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसीटिल क्लोराइड है ये, एसीटिल क्लोराइड। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले रिएक्शन करेगा CH3 MgBr, यह हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, हम जानते हैं इस पे प्लस आता है, ये माइनस वाला है, और इस पे Cl पे माइनस आएगा और ये कार्बन प्लस का होगा, अर्थात Cl जो होता है यह बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यह कार्बन को छोड़ के जाना चाहता है। इस बात का फायदा ये मिथाइल उठाएगा और यह इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड के स्थान पर मिथाइल आ जाएगा और यह क्लोराइड मैग्नीशियम के साथ निकल कर बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। एसीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तो आपने पढ़ी हुई है पहले से, क्या होगा ये तो हम जानते ही हैं। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहले इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से होगी, एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा, जो कार्बन है यह इस कार्बन पे आएगा और रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीजन पे आएगा, ये तो हम जानते ही थे। क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O MgBr, और यहाँ CH3 है और एक CH3 यहाँ आ गया, इसका अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस होगा, तो होगा क्या, H और OH आएगा, यानी कि ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा CH3 OH plus MgOH Br निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ रही है, एक मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा जो हमने बताया, दूसरा मॉलिक्यूल अभी तक जो हमने पढ़ा सामान्य एडिशन करेगा, अर्थात एसिटिल क्लोराइड से हमने अल्कोहल बना लिया, यह 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक इसी प्रकार ये रिएक्शन एस्टर से भी हो सकती है, हमने लिया एस्टर ले लिया, इथाइल एसीटेट ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, नाम क्या है, इथाइल
एसीटेट, इथाइल एसीटेट ले लिया, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हुई C2H5MgBr। हमने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी लीविंग ग्रुप होता है अच्छा, यही भी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, OC2H5 नेगेटिव, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये C2H5 इस OC2H5 को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां C2H5, इसकी जगह C2H5 आकर निकल के आ गया। Mg में एक तो Br था और ये OC2H5 भी आ गया, OC2H5 निकल गया। इस पर फिर रिएक्शन हुई C2H5MgBr, पहले इसकी रिएक्शन होगी, फिर एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा। आपको हम बता चुके हैं फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है, ये वाला जो O है यह OH में बदल जाएगा और ये C2H5 इस कार्बन पे आ जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, अर्थात ये वाला O C डबल बॉन्ड O वाला OH में बदल जाएगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वह इस कार्बन में जुड़ जाएगा आके, यानी यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और ये भी C2H5, नाम हो जाएगा 2-3-methyl-pentane-3-ol, इसका नाम क्या हो जाएगा 3-methyl, आप लिख सकते हैं ना 3-methyl-pentane-3-ol, क्या नाम हो जाएगा 3-methyl-pentane-3-ol बन जाएगा, अर्थात हम एस्टर से भी, एस्टर के भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो हम इससे भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, इससे एल्कोहल। अगर आपको ये 3 डिग्री बना, अगर आपसे कहा जाए 2 डिग्री बनाना है, इससे केवल 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा, क्या कह रहा हूं मैं, इससे 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा, उपरोक्त मेथड से केवल 2 और 3 बनेंगे, कौन से बनेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए यह मेथड सूटेबल है। ऐसे 2 डिग्री बनाना है हमें, हमने क्या ले लिया HC डबल बॉन्ड O OC2H5, हमने पहले इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दी CH3MgBr से, क्या होगा ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसकी क्या होगा सेकेंड स्टेप में, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो जाएगी CH3MgBr से और यह सेकेंड स्टेप में एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इसका कार्बन जो है वह कार्बन पे आ जाएगा और ओ ओ एच में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा HC CH3 CH3 OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, कितना हो गया 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, अर्थात इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों प्रकार के एल्कोहल बन सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल इससे नहीं बनता है, ये नोट कर लेना आपको, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक हम समरी लिखें अगर, कि जो RMGX है, RMGX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर यह कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराता है, करता है, इससे इसकी रिएक्शन होती है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल बन सकते हैं, ये हम जान चुके हैं। अगर फॉर्मेलियाइड होगा यह 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा और अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे और कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, ये बात हम जान चुके थे। दूसरी बात हमने यही भी जानी थी, यदि कोई रिएक्शन डायरेक्ट आती है, कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट आती है RMGX की, RMGX H2OH प्लस, हमें डायरेक्ट क्या करना है, इस ऑक्सीजन को OH में बदलना है, इस कार्बन को कार्बन पर डाल देना है, यानी कि हो जाएगा RCOH, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को भी हमें डायरेक्ट याद रखना है।
कभी कभी डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए तो हम डायरेक्ट कर सकें। तीसरी बात, पहली बात तो ये हो गई है आर एम जी एक्स की 1 2 3 बन सकता है। दूसरी बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आर एम जी एक्स है वह एसिड हैलाइड और एस्टर दोनों से ही एल्कोहल बना सकता है। यहां 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। इसमें इसके 2 मोल लगेंगे। कितने मोल लगेंगे? 2 मोल की आवश्यकता पड़ेगी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। जो 1 मोल होगा आर एम जी एक्स जो फर्स्ट होगा वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और आर एम जी एक्स सेकेंड होगा वह एडिशन करेगा जैसे पहले कर रखा था। तो उपरोक्त समरी आपको नोट कर लो बच्चों, मैं आशा कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट संबंधित सभी तरह के प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत से एक्सरसाइज बच्चों आप किताबों में दी हुई है, आप सभी एक्सरसाइज कीजिए। जहां एल्डिहाइड कीटोन दिखता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखता है, 1 मोल का एडिशन करा के हाइड्रोलिसिस कर देना है तुरंत। जहां एस्टर एसिड हैलाइड दिखता है, 2 मोल लगा के पहले सब्स्टिट्यूशन फिर हाइड्रोलिसिस, एडिशन और हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बनाना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी आप सीख गए हैं। अगले कालांश में एल्कोहल बनाने की अंतिम प्रॉपर्टी के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए उपरोक्त टॉपिक आप अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए, समस्याओं को अवश्य पूछिए।